यादवों के ठेकेदार थे और लगातार सत्ता पे बने रहे यदुवंशियों के ताकत के बल पर, मगर उनको हाशिए पर रखने का काम क्या है आप आकलन कर लीजिए। लंबे काल तक वो लोग सत्ता में रहे और आज भी सत्ता में बने हुए हैं, तो यादवों को उन्होंने क्या क्या दिया, शिक्षा में, विकास में, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, जो विकास के अन्य आयाम होते हैं वो तो सब लोग थके हुए महसूस करें। आज भी गरीबी, फटहाली, बदहाली, अशिक्षा सबसे ग्रसित है यादव समाज का लोग। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सम्मेलन रखा गया, क्या लगता है इसमें राजनीतिक जो की गई है भाजपा की ओर से यादव को बुलाया गया, क्या राजनीतिक संकेत क्या मिलता है? राजनीतिक संकेत स्पष्ट है कि कुछ पार्टियां और कुछ नेता जो यादवों के ठेकेदार थे और लगातार सत्ता पे बने रहे यदुवंशियों के ताकत के बल पर, मगर उनको हाशिए पर रखने का काम क्या है आप आकलन कर लीजिए। लंबे काल तक वो लोग सत्ता में रहे और आज भी सत्ता में बने हुए हैं, तो यादवों को उन्होंने क्या क्या दिया, शिक्षा में, विकास में, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, जो विकास के अन्य आयाम होते हैं वो सब लोग थके हुए महसूस करें। आज भी गरीबी, फटहाली, बदहाली, अशिक्षा सबसे ग्रसित है यादव समाज का लोग, मगर वो देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, पिछले 14 से लेकर आज 1923 तक जब कभी भी जरूरत पड़ा है यादवों को सम्मान दिया गया है, स्थान दिया गया है, पॉलिटिकल भागीदारी दी गई है और विकास के हर वो काम हुआ है जो अब तक ये समाज अछूता था। चाहे विकास के कोई भी पैमाना ले लीजिए, उसमें यादवों की हिस्सेदारी मिली है। तो लोगों का मन अब आ रहा है, मोदी जी के पहले भी था, जनसंघ काल से ही यादव भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के प्रति उनका आस्था और रहा है, और उस समय से ही यादवों को अच्छे ढंग से अच्छा प्रतित्व मिला है, हिस्सेदारी मिली है। तब लोगों का मन बिल्कुल साफ हो गया है कि हमारा कोई कल्याण कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और मोदी जी ही कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने तय कर लिया है। इसलिए आज बड़े पैमाने पर 21,000 लोगों ने एक मुश्त में सदस्यता ग्रहण किया, बिहार के कोने कोने से आए लोग, आपने देखा जलवा, और कोई आज पहला और अंतिम नहीं है, एक कार्यक्रम चलता रहेगा प्रखंड लेवल पर, जिला स्तर पर। आज तो एक सिम्बॉलिक रूप था गोवर्धन पूजा के अवसर पर, ये संदेश गया भगवान श्री कृष्ण के इस पूजा स्थल से, और लोग मैं समझता हूँ कि 2024 में पुनः, पहले भी मोदी जी को लोगों ने समर्थन दिया है, इस बार भी बढ़ चढ़ कर देंगे और आने वाला 2025 में भी पूरी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बने, इसके लिए हर संभव वो समर्थन देगा, प्रयास करेगा, सहयोग करने का काम करेगा और परिवर्तन करेगा। बहुत देखा खेल, कभी कभी तुम, कभी हम, कभी तुम, कभी हम, ये तुम हमसे निकल करके एक नया जो आस्था है विकास का आयाम भारतीय जनता पार्टी की है, लॉ एंड ऑर्डर का आस्था में कायम किया है। आपने देखा होगा जो बदहाली फटहाली से गुजर रहा बिहार वर्षों से, उसे निकल करके कभी भी भारतीय जनता पार्टी का अकेले सत्ता में नहीं रही है, उसका मुख्यमंत्री नहीं रहा है, तो तय कर लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को हम सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने, उसके लिए यादव समाज अपना समर्थन देने का काम करेगा। जिस तरह से आज आपने यदुवंशी लोगों को आप एक किए, 2024-25 के चुनाव में ताकत बढ़ेगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगी, आपने देखा नहीं, कभी देखा है कि कैसे क्या करेंगे वो एक दूसरे को ठगते रहे हैं, फिर ठगेंगे क्या करेंगे, वही तो करेंगे, ठगे हैं, ठगते रहेंगे एक दूसरे को, मगर बिहार की जनता नहीं ठगाने वाली, एक दूसरे को ठगते रहे मगर अब बिहार की जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली है और यदुवंशी समाज नहीं आएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।